नमस्कार, कैसे हो? आज हमारा जो टॉपिक है वो है वृहद हिमालय को लेकर, ग्रेटर हिमालय को लेकर के हम बात करेंगे। आज की क्लास इसी पर आधारित रहेगी और इसकी विशेषताओं के बारे में और इसकी जो मुख्य पर्वत चोटियां उसके बारे में बात करेंगे। और इस पर्वत चोटियों का एक क्रम जो है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि एक IAS की परीक्षा में पूछा गया था, किस प्रकार का वो प्रश्न था, उसी के लिए मैंने यहाँ जो इस महान हिमालय की जो चोटियां हैं उसको बनाया है और यहीं से एक वो प्रश्न बनता है। दूसरी बात है इसकी जो वृहद हिमालय, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, इसको किन किन नामों से वो पुकारा जाता है उसके बारे में बात करेंगे और इसकी प्रमुख जो चोटियां हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ में इसमें ग्लेशियर कौन कौन से हैं, कौन सी नदियों का यहाँ से उद्गम होता है इस क्षेत्र से, उन सबको लेकर के चर्चा करने वाले हैं। ट्रांस हिमालय और ये जो महान हिमालय है वो कौन से फॉल्ट से अलग होता है, इन सब पे हम बात करेंगे। तो चलते हैं इस क्लास में कि टॉपिक जो अपना है आज का वृहद हिमालय को लेकर के, और इसको आंतरिक हिमालय, इसको हिमाद्री, इसको महान हिमालय, मुख्य हिमालय, बर्फीले हिमालय आदि नामों से इस हिमालय को पुकारा जाता है। चलिए, ये तो इसके नाम की बात हुई और अब बात कर लेते हैं सर्वोच्च हिमालय, यानी कि ये जो उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र था उसमें जो ये जो श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों में जो मुख्य हिमालय है, महान हिमालय है, ये सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है या इसे सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ट्रांस हिमालय, मध्य मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो इनमें से सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है, वो है आपका वृहद हिमालय या महान हिमालय या मुख्य हिमालय। ठीक है, तो ये यहां से अब इसके जो पर्वत श्रेणी जो बनी हुई है, तो इसमें चट्टानें कौन सी हैं, कौन सी चट्टानें इसमें पाई जाती हैं, तो उनको हम देख लेते हैं कि इसके आंतरिक भाग में आर्कियन शैलें पाई जाती हैं। इसके आंतरिक भाग की अगर जब बात करोगे महान हिमालय के आंतरिक भाग की, तो इसमें आर्कियन शैलें पाई जाएंगी, जैसे ग्रेनाइट, निस और सिस्ट, ये चट्टानें भी इसमें मिलती हैं आंतरिक भाग में। जबकि सिरे एवं पार्श्व भागों में, सिरे पर और पार्श्व के जो भाग हैं इस हिमालय के, उसमें आपको कायांतरित अवसादी चट्टाने पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आर्कियन समूह की मिलती हैं और कायांतरित चट्टाने इसमें मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात आए, तो इसकी औसत ऊंचाई वो है 6100 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई बताई जाती है क्योंकि सबसे ऊंचा है। इसके बाद में इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 25 किलोमीटर बताई गई है, ये इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। बस ये प्रारंभ कहां से होती है, तो पश्चिम में यहाँ ये जो नंगा पर्वत है, यहां से पूर्व में जो नामचा बरवा पर्वत है, तो ये नामचा बरवा पर्वत पूर्व में, पश्चिम में ये नंगा पर्वत, तो यहां से प्रारंभ होकर के और यहां तक इसका विस्तार है। किसका? महान हिमालय का है, आंतरिक हिमालय का है। ये चाप की भांति है, चाप की भांति इसका विस्तार पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं मध्य भाग जो प्रमुखतः है नेपाल में स्थित है या विस्तृत है, यानी कि इस महान हिमालय का जो मध्य भाग है वो जो नेपाल में विस्तृत है, सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा भाग है। तो अर्थात इस महान हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, तो नेपाल वाला है या मध्यवर्ती भाग इसका सबसे ऊंचा है। अब इसकी प्रमुख चोटियों की अगर हम बात करेंगे, तो यहां माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है ये। अब इसको देखो किन किन नामों से पुकारा जाता है वो भी हम देख लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। माउंट एवरेस्ट, इसको चोमो लुंगमा भी कहते हैं तिब्बती भाषा में, इसको सागर माथा भी कहते हैं, इसको गौरी शंकर भी कहते हैं। ठीक है, इसको
माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पर एक और बात आती है, 8850 मीटर भी इसकी ऊंचाई बताई जाती है। तो वो क्या है, 5 मई 1999 में जीपीएस से ज्ञात ऊंचाई जो आई थी वो आई थी 8850 मीटर आई थी। किसके माध्यम से ज्ञात की गई थी, जीपीएस के माध्यम से जब ज्ञात की गई तब कितनी आई, 8850 मीटर ऊंचाई आई। किसकी, माउंट एवरेस्ट की, कब, 5 मई 1999 में ज्ञात की गई थी, तब आई थी, तब वहां से ये 8850 की जो चर्चा है वो चली। इसी को ध्यान रखिएगा, ये जो चोमोलुंगमा है इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है इसको पर्वतों की रानी भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, पर्वतों की रानी किसे कहते हैं, तो इस माउंट एवरेस्ट चोटी को ही पर्वतों की रानी भी कहते हैं। इसके बाद में चलते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा जो पर्वत है इसकी जो इसकी चोटी जो है इसकी ऊंचाई है 8597 मीटर इसकी ऊंचाई बताई जाती है, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में, कहां, सिक्किम राज्य में है भारत के, और भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी है, ये आपको ध्यान रखना। भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये है कंचनजंगा, जबकि केटू है विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है, क्योंकि उस पे एक लाइन लिखी जाती है पाक अधिकृत, ठीक है, इसलिए उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात आती है तो कंचनजंगा है। इसके बाद में धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई है 8172 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा 8078 मीटर, जो भी नेपाल में है। मकालू 8481 मीटर, वो भी नेपाल में है। नंदा देवी 7817 मीटर, भारत उत्तराखंड में है। गंगा पर्वत भारत में, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर। इसके बाद में नामचा बरवा 7756 मीटर, तिब्बत में। तो इस प्रकार से ये जो महान हिमालय की जो चोटियां थी प्रमुख प्रमुख, उनके बारे में हमने बात की कि ये महान हिमालय में स्थित प्रमुख चोटियां हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस हिमालय के जो हिमनद हैं उनके बारे में। अगर हम बात करें तो देखो, मिलाम और गंगोत्री जो हिमनद है वो महान हिमालय के ही हिमनद है, मुख्य रूप से कुमाई हिमालय क्षेत्र से। और इसके बाद में है जेमू हिमनद, जेमू हिमनद जो है सिक्किम में, ये सिक्किम में स्थित है जेमू हिमनद। ये तो मुख्य रूप से यहाँ के इस क्षेत्र के इस पर्वत श्रेणी के हिमनद है। इसके बाद में है दर्रे, दर्रे कौन कौन से है, देखिए इसमें है बुरजिल और जोजिला दर्रा, कहाँ है, कश्मीर में है। इसके बाद में है बारा लाचाला और सिपकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में थागला नीति माना लिपुलेख, ये जो दर्रे हैं ये उत्तराखंड में है। और इसके बाद में नाथुला व जेलेपला जो दर्रा है वो सिक्किम राज्य में है। ये सारे के सारे किस महान हिमालय जो क्षेत्र के प्रमुख दर्रे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ स्थित है और कौन से हिमालय में ये दर्रे स्थित है। इसके साथ में मुख्य रूप से मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT के द्वारा वृद्ध हिमालय मध्य हिमालय से अलग होता है, या वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है सिपकीला दर्रा, जो सिपकीला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है, से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी, कौन से दर्रे से करती है, सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, इस पर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। यह जो दर्रा है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, किसको, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, कौन सा, सिपकीला दर्रा। इसके बाद में जो सिक्किम की जो चुंबी घाटी, तो यह भी ध्यान रखना है कि चुंबी घाटी कहां है, सिक्किम में है।
तो वहां जो है जेलेब का जो दर्रा है, दर्रे से होकर पश्चिम बंगाल में जो कालिमपोंग से तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक सड़क मार्ग जाता है, किससे जाता है? जेलेपला दर्रे से जाता है। कहाँ है? चुंबी घाटी में। कहाँ है? सिक्किम में। तो ये आपको इस पे ध्यान रखना है। इसके बाद में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी कि मैंने पहले आपसे चर्चा की कि इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया था कि इसमें ये जो चोटियां हैं इनको आप देख लीजिए, ठीक है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। तो चार चोटियां देख करके इस प्रकार से चार चोटियों का विस्तृत क्रम दिया और ऐसा ऐसी स्थिति उनकी की, और उसमें से ये पूछा कि आप इस पे विचार कीजिए, और विचार करने के बाद में ये पूछा कि निम्न में से ये बताइए कि सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो वहां जो बात करते हैं, जैसे ये है, जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा है, एवरेस्ट है, मकालू है, तो अपन यहां से ले लेते हैं अन्नपूर्णा, उसके बाद में एवरेस्ट, उसके बाद में मकालू, उसके बाद में कंचनजंगा। तो इस प्रकार से ये चोटियों का नाम देकर के पूछ लिया जाता है कि सबसे पूर्व में कौन सी है। तो कोई भी इसमें चार बना दे, तो मान लीजिए 1 2 3 4 ये बना देते हैं, दे देते हैं कामेट है, नंदा देवी है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा है, और इनमें से ये पूछ ले कि सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको इस तरीके से यहां पूर्वी पूछा गया, तो यहां पश्चिमी भी आपको ध्यान करना है, इस क्रम को भी आपको ध्यान करना है कि सबसे पश्चिम में कौन सा पर्वत है, कौन सी चोटी है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो इस प्रकार का प्रश्न आईएएस की परीक्षा में पूछा गया था जो मैं बता रहा हूं, इस प्रकार का। इसलिए इसको इस तरीके से भी आपको पढ़ना है कि कौन सी चोटी पूर्व में, और कैसे कि कौन सी चोटी पूर्व में, चार चोटियां दी जाएंगी, चार चोटियों में से आपको देखना होगा कि कौन सी चोटी पूर्व में है। तो उन चारों का क्रम, यानी अब सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्रम से इधर से कौन सी चलती है, इधर से कौन सी चलती है, क्रमवार। तो ये इस प्रकार के प्रश्न इसमें से उठते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। कल की क्लास में मध्य हिमालय के साथ में मिलते हैं, धन्यवाद।